जिलाधिकारी के विजयन पांडियन के निर्देशानुसार बृहस्पतिवार को भालोटिया दवा मार्केट के सभी प्रवेश द्वार पर पानी की टंकी, वॉश बेसिंग एवं हैंड वॉश लगाए गए। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह, गोरखपुर के DLA राजेश कुमार श्रीवास्तव, ड्रग इंस्पेक्टर जय सिंह, दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष और महामंत्री ने लगाए गए हैंड वॉश से हाथ साफ कर दवा व्यापारियों और आम लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें, भालोटिया दवा मार्केट के मुख्य प्रवेश द्वार पर पिछले 17 अप्रैल को एक पानी की टंकी, वॉश बेसिन लगाकर हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखा गया था। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को भालोटिया मार्केट के अन्य तीनों प्रवेश द्वार पर पानी की टंकी, हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर रखा गया। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार सिंह ने बताया कि दवा मार्केट में किसी भी द्वार से प्रवेश करने वाले मालिक, स्टाफ, कर्मचारी, ट्रांसपोर्टर और अन्य जो भी व्यक्ति मार्केट में प्रवेश करेंगे, कम से कम 30 सेकंड अपने हाथों को खूब अच्छी तरह धुले, उसके बाद हाथों को सैनिटाइज करें। इस पद्धति को सुमन के पद्धति कहा जाता है। इस अवसर पर दवा विक्रेता समिति के चेयरमैन अर्जुन अग्रवाल, संयोजक संतोष श्रीवास्तव, श्री प्रकाश भालोटिया, विनोद भालोटिया, सुनील भालोटिया, अनुराग चांदवासिया आदि लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दवा विक्रेता समिति के अध्यक्ष गोरखपुर योगेंद्र नाथ दुबे व ADM FR राजेश कुमार सिंह ने कहा, ऐसे देखिए, ये पानी हो गया, हैंड वॉश रखवा दिया, सैनिटाइजर रखवा दिया, हैंड वॉश से हाथ धोके सैनिटाइजर तब जाएगा, ये चारों बेटा थोड़ा सा, हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग पालन करें, आइए का पहले आप आइए भैया, हाँ जो तो सुमन की पद्धति है जी, उसी सिस्टम चाहे तो सुमन के यहाँ लिखवा दीजिए। अच्छा सर, एक बार आप भी आ जाइए। हम लोगों ने आरोग्य सेतु के लिए अभी बात किया है कि आरोग्य सेतु यार सभी लॉकडाउन जो लगाया है उनको दवा ना दी जाए, और एक दो जगह मास्क भी अवेलेबिलिटी भी हम लोगों ने रखा है। मैं अपनी दुकान पे खुद रखा हूँ कि जो भी मैंने मास्क लगाया है उसको मास्क फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और रास्ते में भी हम लोग देख रहे हैं फोन करते हैं स्टाफ के, और सबको मैंने ये जागृत कर रखा है कि मार्केट में कोई भी नमाज के दिखाई दे तो आप सभी लोग रुकते हैं। और हमारे यहाँ कई कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में हमारे पदाधिकारी हैं, उनको भी बोल रखे हैं अगर आपके किसी दुकानदार के दुकान पे भीड़ हो रही है तो आप लोग उस दुकान को कभी देखने को मिल जाता है। योगेंद्रनाथ दुबे, अध्यक्ष दवा विक्रेता समिति गोरखपुर। इसके पहले भी वॉश बेसिन टंकी लगाई गई थी, लेकिन आज भालोटिया दवा मार्केट में 4 गेट है, और हर गेट से व्यापारी प्रवेश करते हैं और कस्टमर भी प्रवेश करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है हर गेट पे पानी की 500 लीटर की टंकी, हैंड वॉश और सैनिटाइजर रखा गया है कि जो भी कस्टमर या मालिक या जो भी मार्केट के अंदर प्रवेश करता है वो कम से कम हाथ को 20 सेकंड के लिए धुले और धुल के सैनिटाइजर लगाए और फिर मार्केट में, क्योंकि कोरोना वायरस
वैश्विक स्तर पर एकदम फैल गया है और हम सभी लोग सशंकित हैं। दवा की बहुत सारे मार्केट कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं और हम लोग नित नए प्रयोग कर रहे हैं कि मार्केट में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, हमारे सारे व्यापारी सुरक्षित रहें, हमारा जनपद सुरक्षित रहे। इसी को लेकर एक आह्वान हुआ है कि दो गज की दूरी पर लोग रहें और बिना मास्क जो लगाए आए उसको दवा न दी जाए। और मेडिकल रैप और मैनेजर बंधुओं से अनुरोध किया गया है कि जब तक लॉकडाउन की स्थिति है मार्केट में न आए, क्योंकि मार्केट में भीड़ नहीं लगनी चाहिए और हमारी जिम्मेदारी है कि जनपद के और अगल बगल के जनपद को लोगों को दवाई मुहैया कराएं। उस सब के लिए हम लोग तत्पर हैं और तैयार हैं। इसके द्वारा ये संपन्न हुआ है क्या दिशा? आज ये अपर जिला अधिकारी महोदय एडीएम एफआर महोदय राजेश कुमार सिंह जी थे और हमारे यहाँ के डीएलए थे राजेश कुमार श्रीवास्तव जी और ड्रग इंस्पेक्टर जय सिंह जी, ये सभी लोग आए थे और इन सभी लोगों का अनुरोध था कि मार्केट में स्वच्छता बनी रहे और इन लोगों के द्वारा आज उद्घाटन हुआ है और मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। पूर्व में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भालोटिया मार्केट का निरीक्षण किया गया था और ये निर्देशित किया गया था कि चाहे तो भालोटिया मार्केट स्वयं या किसी अन्य व्यवस्थाओं से यह कर लिया जाए कि जो COVID-19 है, जो ये कोरोना वायरस है, इसके बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दिन भर में कई बार जब भी आपको याद आए तब आप उसको हाथ को धुलते रहें। तो भालोटिया मार्केट की जो एसोसिएशन है धन्यवाद की पात्र है। अब इनको ये करना है कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है उसको सुमन के पद्धति से, पद्धति कोई भी अपनाई जा सकती है लेकिन सुमन के पद्धति का तात्पर्य हो गया लगभग 30 सेकेंड तक, सबसे पहले सीधा एस हो गया, फिर यू उल्टा, फिर एम हो गया मुट्ठी, फिर ए हो गया अंगूठा, एन हो गया नाखून और अंत में आपको कलाई के। तो सुमन के पद्धति से पूरा व्यवस्थित ढंग से, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी आदमी हाथ धो करके निकल जाए, लगभग 30 सेकेंड का। और जो वो साबुन लगा रहा है या सोप लगा रहा है उसमें झाग भी उठना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि वो पर्याप्त मात्रा में उसको ले ले, हाथ को खूब रगड़े जिससे उसमें झाग उत्पन्न हो जाए। और यदि यहाँ आने वाला व्यक्ति, चूँकि वो अन्य जनपदों से भी आ रहा है, अन्य तहसीलों से भी आ रहा है, तो मेरा भालोटिया मार्केट के सभी दुकानदार बंधुओं से अनुरोध है कि यदि उनकी दुकान पर कोई आए तो उनसे ये ज़रूर कह दें कि पहले आप जाओ हाथ धुल करके आओ। यहाँ पर कोई आदमी रहे जो टोका टाकी करता रहे, यह दिखाए कि हाथ धुलना बहुत ही आवश्यक है। अभी लोग इसको बड़ा सरल सा मान रहे हैं या आवश्यक नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक है कि वो बार बार हाथ धुलें, स्वयं भी धुलें, दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। इसी के साथ एक छोटी सी बात मैं सबसे आग्रह और अनुरोध करना चाहूँगा कि भालोटिया मार्केट जगह जगह इस बात का पोस्टर लगा दे कि जो भी इस कार्यालय में आ रहा है, इस एरिया में आ रहा है, वो आरोग्य सेतु का जरूर अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके रखे। भालोटिया मार्केट के सभी दुकानदार बंधु भी और आने वाले भी, यदि किसी व्यक्ति ने आरोग्य सेतु डाउनलोड नहीं किया है तो उसको रोक करके कहे कि पहले आप इसको डाउनलोड कर लें। तो दो बातें, एक तो बार बार हाथ धुले और दूसरा आरोग्य सेतु अवश्य डाउनलोड कर ले, तो मुझे लगता है कि हम लोग 100% कोरोना से बचे रहेंगे। धन्यवाद।